हाय फ्रेंड्स, चलो करते हैं एक ब्यूटीफुल सा समर का डे मेकअप लुक। तो ये बहुत इजी है एंड क्विक रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद एक आइस क्यूब लेके मैंने अच्छे से फेस पर उसे मसाज कर ली और उसको जो है अपने आप ऑटोमेटिकली ड्राई होने दिया, उसको मैंने पोछा नहीं था। आफ्टर दैट मैंने डॉट एंड घी का मॉइस्चराइजर लगाया विटामिन सी वाला और अच्छे से उसको भी अपने फेस पर एब्जॉर्ब होने दिया। थर्ड स्टेप में मैंने लगाया सनस्क्रीन, ये है रहने का सनस्क्रीन जो कि मैट लुक देता है। फिर मैंने इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने लगाया है एक हमारे मेरे पास ये सैंपल रखा था प्राइमर का, तो वो लगा लिया। फिर मैंने लिया है नेक्स का मेकअप फिक्सर और उसको अप्लाई करने के बाद लॉरियल का ये कंसीलर लेकर मैंने अच्छे से अपने फेस पर जहाँ जहाँ पर थोड़े बहुत स्पॉट्स से, एक्चुअली मुझे पीछे एक्ने हो रहे थे तो उसके थोड़े से स्पॉट्स रह गए थे, तो वो लगा के और उसके बाद थोड़ा सा फाउंडेशन लेके मैंने फिर से नेक्स का स्प्रे अप्लाई किया और ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छे से डैब डैब करके सेट कर लिया। और आप देख सकते हो कितनी स्किन लाइक फिनिश है, बिल्कुल भी ओवरडू नहीं लग रहा एंड काफ़ी अच्छी फिनिश आई थी। फिर अंडर आइज़ के लिए मैंने थोड़ा सा कंसीलर और लगाया, ब्राइटनिंग कंसीलर, और उसको भी ब्लेंड कर लिया। मैंने लिया है मेबलिन का ये कॉम्पैक्ट और उसके बाद इस पफ से जो ट्राइंगल पफ होता है इससे मैं अच्छे से अपने फेस को बेस को सेट कर रही हूँ और एक्स्ट्रा को मैंने डस्ट ऑफ कर दिया बड़े ब्रश से। अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोर के बाद हमने किया है यहाँ पर ब्लश। ये मेरा शुगर का ही पैलेट था जिसको लेके मेरे को ज़्यादा हैवी आई लुक नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया कॉन्टोर शेड को ही लेके सबसे पहले थोड़ी सी क्रीज बना ली, उसके बाद ब्लश को लेके थोड़ा सा जो इनर सर्कल होता है ना आई का वहाँ पे लगा लिया और उसके बाद हाईलाइटर से अपने फेस को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लिया, ब्लश के ऊपर भी हाईलाइटर अच्छे से लगा दिया एंड दैट्स इट। इसके बाद फिर से मेकअप फिक्सर लेके मैंने इसको सेट कर दिया और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अगेन डैब डैब कर दिया सो दैट जो भी एक्सेस प्रोडक्ट था वो निकल जाए। अब मैंने लिया ये वाला पैलेट अपना मेकअप रेवोल्यूशन का और उसका शिमरी पार्ट लेके थोड़ा सा अपने आईलिड्स पर लगा दिया, आईब्रोज को सेट किया, आईलाइनर लगाया एंड आफ्टर दैट मैंने लगाई है इसके बाद मस्कारा। ये स्काई हाई मस्कारा है लॉरियल का और उसके बाद आप डिफरेंस देख ही सकते हो दोनों आँखों में एंड बस हम हो गए रेडी अब स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर से। मैंने लिप शेड लिया है फाउंडर, ये मेबलिन का इंक मैट है और बड़ा प्यारा सा पिंकी शेड है एंड आई दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। बाय बाय।